नाम विशाल गुप्ता है और आज का टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जनरली होता क्या है। तो हमें पिछले लेक्चर में ये पता था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो होता है जब किसी भी सिस्टम का एक ग्राम कोई भी सिस्टम है, मान लेते वाटर ही है, एक ग्राम है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट का ज़रूरत होता है वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। लेकिन अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो मान लेते हैं कोई भी सिस्टम है, अब सिस्टम के किसी एक मोल सिस्टम का टेम्परेचर, जैसे कि वहाँ पे क्या था, एक ग्राम, और यहाँ पे अब मोल की बात होगी, एक मोल सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। अब इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सीवी से, कैपिटल सीवी इक्वल टू होता है क्यू बाई एन इंटू डेल्टा टी। एन यहाँ पे मोल है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहाँ पे ये तो हमारा सीवी, वी क्या है हमारा, यहाँ पे वी का मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, वी ये प्रेजेंट करता है कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है हमारा, कांस्टेंट है। इसी तरह कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा सीपी क्या हो जाएगा, क्यू एन इंटू डेल्टा टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं सीपी एंड सीवी में क्या रिलेशन है, सीपी एंड सीवी में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीपी एंड सीवी में रिलेशनशिप। तो सीपी एंड सीवी में रिलेशनशिप ये होता है, जैसे कि कैपिटल सीपी एंड सीवी में, अब बात करते हैं कैपिटल सीवी जो होता है हमारा एम सीवी होता है, एम कैपिटल सीवी को हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एम मोलर मास होता है, सीवी हमारा क्या होता है, सीवी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कह सकते हैं। और इसी तरह हमारा सीपी क्या होगा, कैपिटल सीपी इक्वल्स टू क्या होता है, मोलर मास इनटू स्मॉल सीपी। स्मॉल सीपी हमारा रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और कैपिटल सीपी ये रिप्रेजेंट करता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये दोनों रिलेशनशिप आपको एकदम याद रखना है। फिर एक और रिलेशनशिप आता है गैस के लिए, कैपिटल सी पी माइनस कैपिटल सी वी इक्व टू आर होता है, सी पी माइनस सी वी इक्व टू आर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसे हमें याद रखना है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, आपको ये पता होगा कि सी वी इक्व टू होता है क्यू वी एन डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम क्यू वी इक्व टू एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हैं, इसी तरह क्यू पी इक्व टू इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है स्मॉल f, तो सी वी इक्व टू होता है f बाई टू आर। अब आप सोच रहे होंगे f क्या होता है, तो f के बारे में हम बात करते हैं, f हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, f हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे हम एटॉमिसिटी भी कहते हैं, किसका, गैस का। स्मॉल f डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इसे एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस कहते हैं। अब कैसे निकालते हैं ये ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कोई गैस है हमारा जो हीलियम है, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये सिंगल, आर्गन हो गया, ये सारे गैस क्या हैं, यहाँ पे सिंगल हैं। तो सिंगल हैं तो इसके लिए स्मॉल f की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है, 3 होगी हमेशा हर सिस्टम में। इसी तरह जैसे कि मान लेते हैं डाई एटॉमिसिटी जो बोलते हैं, जिसे डाई एटॉमिक गैस बोल सकते हैं, डाई एटॉमिक गैस की बात करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 5 होती है, ये फिक्स वैल्यू होती है। और हमारा जैसे कि बात करते हैं पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए, इसकी वैल्यू 6 होती है, जैसे कि हम बात करें पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए, तो ये हमारा बोल सकते हैं SO3 CO2, ये सारे के लिए हमारा स्मॉल f की वैल्यू जो होती है 6 होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और एक रिलेशनशिप था कि CV इक्वल्स टू F बाई टू आर, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, CV इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमको सिस्टम पता रहेगा कि सिस्टम हमारा
जैसे कि कोई भी गैस है, हीलियम गैस है तो हमको पता चल जाएगा ये मोनो एटॉमिसिटी है। अगर डाई ऑक्सीजन की बात होगी तो यहाँ पे डाई एटॉमिसिटी की बात होती है, तो और नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिसिटी, SO3 हो गया मान लेते हैं, तो ये हमारे ट्राई एटॉमिसिटी या पॉली एटॉमिसिटी, वहाँ पे वैल्यू 6 होती है। तो ये सारी वैल्यू आपको लाइन बाय लाइन हमने बता दी, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। जैसे कि मोनो एटॉमिसिटी में वैल्यू F=3, डाई एटॉमिसिटी में O2 N2 की वैल्यू 5 होती है, और यहाँ पे पॉली एटॉमिसिटी में यहाँ पे SO3 भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6, और ओजोन O3 की वैल्यू होती है 6। अब CP-CV जो होता है वो =R होता है, लेकिन वो डिपेंड भी करता है हमारा एटॉमिसिटी पे, और γ=2 भी एक रिलेशनशिप होता है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे अभी CP/CV। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप सभी बच्चों को याद भी रखना है। जैसे कि अगर F=एटॉमिसिटी होता है, CV क्या है आपको पता है F/2R। आपको एक बात और पता है, CP-CV=R होता है, और आपको ये बात पता है कि CP=, तो क्या लिख सकते हैं, R+CV लिख सकते हैं, और CV के जगह हम मान सकते हैं, अभी जस्ट हमने माना R+F/2R। तो यहाँ पे अगर हम R कॉमन भी ले लें तो 1+F/2 भी लिख सकते हैं, ये CP के वैल्यू है। तो CV=F/2R हो गया, और CP=F/2+1R जो कि अभी ऊपर हमने प्रूफ करके दिखाया है। γ=CP/CV होता है, और CP-CV=R होता है। अब मोनो एटॉमिक एटॉमिसिटी के लिए क्या होगा, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। F की वैल्यू आपको पता है मोनो एटॉमिसिटी में 3 होता है, जैसे कि हीलियम गैस हो गया, नियॉन, इन सब के लिए F3 होगा। तो CV आप कैसे निकालेंगे, CV आपको तो पता है F/2R होता है, तो F/2R, तो 3/2R हो जाएगा हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि F की वैल्यू हमने कितनी पुट की, 3 पुट की। CP तब क्या होगा, तो CP हमारा क्या होता है, F/2+1R होता है, तो F/2, 3/2+1, तो 5/2R होगा। CP/CV आप रिलेशनशिप देख लेंगे, CP की जगह आप रखेंगे 5/2R, और यहाँ पे 3/2R, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यहाँ पे बचेगा 5/3। तो इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.66 आएगा, और CP-CV करेंगे तो 1/2R आएगा। ये मोनो एटॉमिसिटी के लिए है। इसी तरह डाई एटॉमिसिटी के लिए क्या होगा, F की वैल्यू क्या होगी हमारी, 5 होगी। जैसे डाई एटॉमिसिटी में ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे गैसेस की बात होगा। तो यहाँ पे सेम इसी फॉर्मूले में आपको रखना है, CV=F/2R है, तो यहाँ पे F/2R की जगह F की वैल्यू 5 रखेंगे, 5/2R होगा। इसी तरह CP की भी वैल्यू क्या होगा, F/2+1R, तो 7/2R हो जाएगा। वैल्यू रखते जाएंगे आपको वैल्यू पता चलती जाएगी, 1.4। और इसी तरह CP-CV भी आप निकाल सकते हैं। तो पॉली एटॉमिसिटी में बस आपको F की वैल्यू पता होनी चाहिए कि हमारा F डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ये याद रखना है। तो पॉली एटॉमिक के लिए आपको पता है 6, पहले भी बता दिया गया है, यहाँ पे भी F/2R, तो 6/2, 3R, 4R, फिर यहाँ पे और भी रिलेशनशिप होता है। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ पूछी जाएगी, γm, γd और γp। γm का मतलब क्या होता है कि m का मतलब ये होगा मोनो एटॉमिक के लिए क्या होगा गामा की वैल्यू, ये डाई एटॉमिक के लिए, ये पॉली एटॉमिक के लिए। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, ऊपर हमने निकाल के भी दिखाया है कि गामा की जो वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा मोनो एटॉमिक की होती है, फिर डाई एटॉमिक की होती है, फिर पॉली एटॉमिक की होती है। ये क्वेश्चंस हमारा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि गामा की वैल्यू कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, मोनो एटॉमिक में होगी कि डाई एटॉमिक में होगी कि पॉली एटॉमिक में होगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमें याद रखना है। तो यहाँ पे तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं। फॉर ऑक्सीजन गैस के लिए CP-CV क्या होगा, CP-CV क्या होगा। आप तो बोलेंगे सर R होगा, लेकिन बात यहाँ पे ये होगा कि ये CP-CV कैपिटल CP दिया है कि स्मॉल CV दिया है, ये तो यहाँ पे नहीं पता। तो हम बोल देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं, R 14R दे देते हैं, R देते हैं, R/14 दे देते हैं, 16R देते हैं, 16R, R/16 देते हैं, और फिर आपको देते हैं।